पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने खजनी के कटघर गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर अभियान का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में आरटीओ अनीता सिंह ने बताया कि नवंबर से फरवरी महीने तक का महीना ऐसा होता है जिस समय सड़क पर अधिक कोहरा रहता है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुराने ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक बस सहित मालवाहक वाहनों पर अभियान चलाकर टेप रिफ्लेक्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसका शुभारंभ बुधवार को पिपराइच के विधायक के द्वारा जनपद में हुआ है, जो कि 3 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। इसके अलावा हर सप्ताह ब्लॉक पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि कोहरे के समय होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, तो आप सारे नियम को आपको बता दिया है और शायद यही नियम ऐसे हैं जिनका अगर आप लोग पालन कर लेंगे तो आप लोग की जान भी तो सुरक्षित होगी और साथ ही साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। आप अपने परिवार के लिए ही सड़क पे उतरते हैं गाड़ी चलाने और अपने जो है रोजी रोटी कमाने के लिए, अगर आपके साथ कुछ खुदा ना करे कोई दुर्घटना हो जाए। माह नवंबर से माह फरवरी का वक्त ऐसा होता है कि जब धुंध का बहुत ज़्यादा कोहरा फैला होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है और हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इसको एक सघन अभियान लगा के ट्रैक्टर ट्रॉलीज पुराने माल वाहनों पर आप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का अभियान चला के इन लोगों को लगाइए। तो उसी क्रम में आज खजनी में माननीय विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह सर के साथ हम लोग ये अभियान का शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़े होंगे और हम उनको रिफ्लेक्टिव टेप चलेगा और ये अभियान अभी 3 दिन लगातार चलेगा हमारा, और उसके बाद हर सप्ताह एक ब्लॉक या एक उसको पकड़ के हम लोग वहाँ पे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे।